तो नमस्कार, गुड मॉर्निंग। एक नया सुबह और 3-4-5 दिन हो गया वीडियो एडिटिंग ही नहीं कर पाया। यहाँ पे नेट का थोड़ा इशू चल रहा है। बाकी आज जो है हम लोग अपने घर के लिए निकलेंगे थोड़ी देर में, ठीक है? बने रहिएगा वीडियो पे, देख करिए। थोड़ी देर में बस तैयार हो रहे हम लोग, खाना खा के निकल जाएंगे। और ये देखो ये क्या कर रहा है, ये है। थोड़ा डांस करके बताइए बेटा, थोड़ा डांस करके बताइयो बताइयो बताइयो, डांस करिए थोड़ा सा। और ये भी जाने वाला है हमारे साथ आज। जाना है ना, हैं है? जाना है ना, हैं? अब इसको इससे मेरे को बंगला में बात करना पड़ेगा, एक मिनट। मामा तेरे बारिश जाबा ना, हैं? बारिश जाबा तो पहले एक पर पड़े दबा पहले अन्य पर दबा। नमस्कार करो तो सबा के, नमस्कार करो सबा के, करो 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 कर सबा के नमस्कार बोलो बोलो बोलो। हेलो कर दो सबा के, हेलो ए रकम करो, हेलो कर दो बोलो, हेलो दीदी दीदी के हेलो बोलो, दीदी बोलो बोलो। ये तुमने तो इसका पंखा चला दिया यार, बहुत ज़्यादा साउंड क्रिएट कर रहा है, जाग गया ये। ठीक है, और ये तैयार एवर रेडी, रेडी है, बिल्कुल रेडी है ना, हैं? बस मैं कुछ भी पूछूं, सिर्फ ऐसे ऐसे करना है, कुछ भी पूछ लूं। बोलो बोलो बेटा, जाना है ना मामा घर, हैं? नहा नहाना है, धोना है, देखो कुछ भी पूछ लूं। खाना नहीं खाना ले, बोलो बोलो, आपने खाना खा लिया? आप बोलो इनको, आपने खाना खा लिया? हमने भी खाता है। ये देखो वहाँ पे जो किया जा रहा है ना, ये जो किया जा रहा है ये बिल्कुल धोखेबाजी है, ठीक है? ये बिल्कुल ही धोखेबाजी है यहाँ जो किया जा रहा है, इसको बोलते हैं धोखा। अरे तू सेविंग कर रही है, है? इसका क्या काम है, है? चलो भाई, धोखा दे रहा है दुनिया को। क्या 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 दोबारा बोलना। गांव में हम लोग वो ग्रास से क्या पाप करते हैं, डबिंग डैप डैप। अभी थोड़ी देर में ये भी धोखा देगी मेकअप के साथ, चलो देखता हूँ फिर मेकअप करती नहीं करती है, आगे बताते हैं। खाना ठूस ठास के फिर चल देंगे घर की तरफ। और क्या स्माइल यहाँ पे हो रहा है, नीचे बैठ के खाने का तैयारी। यहाँ पे सारे नीचे बैठ के खाते हैं, डाइनिंग टेबल का इस्तेमाल नहीं करते, वहाँ पड़ा हुआ है, ठीक है? तो हम भी नीचे बैठ के आज खाना खाएंगे। हेलो दोस्तों, तो हम लोग जा रहे हैं घर, सारे जा रहे हैं। मामा भी चल गया दिखा नहीं भाई, मूड थोड़ा ख़राब था, वीडियो नहीं बना रहा था। अभी ये पीछे सो रहा है, पेंडल ही हो रहा है, रास्ते का बिल्कुल तो बनाया ही नहीं, तो चलेगा तो भी। से सेल्टेक्स पार कर लूँगा, सेल्टेक्स डिपार्टमेंट का एरिया ये सब इधर भी बैठे बताइए, लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों शेयर कर दीजिएगा।
कर दीजिएगा जरूर। आगे चल के मैं आप लोगों का काम बच्चों में जो अंतर है वो दिखा रहा हूँ। सही तक डिपार्टमेंट जो है वो हम पार करके आ गए। यहाँ भी इधर भी गाड़ी रुकी है, बस जो है अच्छा चेक करके अपना जो है आगे अंदर अपन की तरफ बता दीजिए अपना चेकिंग के बाद कि सिलीगुड़ी के पास है चिकन नेक का समस्या, जिसके वजह से इस तरफ यहाँ का जो चेकिंग का ज़्यादातर ड्यूटी है वो बीएस आर्मी के अंडर ही होती है, आर्मी लोग ही करता है। ठीक है, उधर सिलीगुड़ी से जैसे आप निकलोगे वहाँ भी आर्मी का चेकिंग होगा, ये आगे आगे इधर आगे इधर भी है। अभी यहाँ पर इस बॉर्डर में भी आर्मी का चेकिंग रहेगा, पुलिस वाले इस रोड पर थोड़ा कम चेक करता है, चौक वगैरह में है पर इसके अलावा बॉर्डर का चेकिंग जो है ना स्टेट बॉर्डर आर्मी का अंडर ही है। मैं अभी आप लोगों को दिखाऊंगा। बस थोड़ी देर में हम लोग ये आने वाले हैं पुलिया के ऊपर, वो दिख रहा है वो चेक पोस्ट छोटा सा दिख रहा है वो नीला नीला रंग की, वहाँ पे वहाँ से ये लोग शायद नज़रें रखते हैं। आज पता नहीं किस तरह का चेकिंग है कि नहीं है। हाँ ये बंगाल का पड़ेगा। हाँ ये हाँ ये बंगाल का पड़ेगा, उस साइड शायद आसाम का पड़ेगा। ये देखो हर डिपार्टमेंट के लोग डिपार्टमेंट का लोग है डिपार्टमेंट का लोग है देखो पूछताछ कर रहा है इस बारे में। सिक्योरिटी डिवीजन के थोड़ा सा वीडियो जो है हमें बंद करना पड़ेगा। आर्मी के जवान है, सलाम है इनको, बहुत मेहनत करते हैं। क्या नंबर है देखो, मुंबई का नंबर है, महाराष्ट्र की हम लोगों से ज़्यादा बात बुत किए नहीं, तो हमारा लोकल नंबर है इसलिए रुका नहीं, शायद उनका मुंबई का नंबर था। ठीक है, मैंने नंबर से दिखा दिया, वैसे तो रिवील नहीं करना। और ये अपना नदी का पुल, ये नदी देखो इस साइड से थोड़ा सा दिख रहा है, काफ़ी बड़ा नदी मेरे घर के पास से गुजरा है। इस एरिया को संकोच कहते हैं। वो आगे देखो पहाड़ी दिख रहा है, पहाड़ी दिख रहा है वो है भूटान का पहाड़ है, वो जो दिख रहा है काला काला सा वो भूटान का पहाड़ है। ये हम आसाम में एंटर कर गए, कोई बोर्ड तो यहाँ पे लगा हुआ नहीं है। ये हाईवे है, ये हाईवे जो है सीधा गुवाहाटी जा रहा है, गुवाहाटी अरुणाचल प्रदेश जहाँ आप जाना चाहो, मतलब एकदम चाइना बॉर्डर तक पहुँचा देगा ये आपको। और इस रोड से भूटान भी जा सकते हो आप, है ना, इस रोड से भूटान भी जा सकते हो। और ये आसाम का चेक पोस्ट आ रहा है सामने, ग्रीनरी बहुत है इधर, ऑक्सीजन की कोई दिक्कत नहीं है। बाकी ये है आसाम का चेक पोस्ट, यहाँ भी मेरे ख्याल से आसाम का पुलिस लगी है, आसाम राइफल के जवान भी दिखा मेरे को। कोकराझार कोकराझार डिस्ट्रिक्ट में आ गया अब यहाँ, वो ये एक किलोमीटर के अंदर उस तरफ है पेट्रोल 107 रुपए लीटर, यहाँ होगा मेरे ख्याल 96 लीटर है इधर, 10 रुपए का 7-8 रुपए का अंतर है बस एक किलोमीटर में। नया नया पौधा लगाया गया, पीछे था नहीं है सब। ये मोटरसाइकिल वाला बहुत अच्छा ड्राइविंग कर रहा है भाई, हेलमेट लगा रखा है, सबसे बड़ी बात ये है। गैस की गाड़ी है सारे के सारे, देखो इंडियन गैस है सारे के सारे, देख रहे हो कितना सारा है। ये देखो पूरा लाइन लगी बढ़िया, वो अंदर भी घुसा हुआ है एक, अब हो गया ख़त्म आराम से। इतना बड़ा बम हाईवे के ऊपर, अरे बाप रे बाप, कोकराझार पुलिस, हाँ पुलिस वाले आइए, पुलिस ये
आ गए श्रीरामपुर। अब यहाँ से हम लोग जो है रास्ता कट करेंगे राइट साइड को, पीछे देख लेना, पीछे देख के इंडिकेटर देख के अभी चेकिंग होता है कभी कभी पैदा कर देते हैं लोग। मेरे को साबुन लेना है भाई, चलो ले लो ले लो, रास्ता खाली है, ले लो ले लो। ये है रेल गेट है सामने, वो भी पार करेंगे हम श्रीरामपुर सलमान मेरे गाँव की तरफ की। अभी हम लोग आसाम में हैं, फिर आगे जा करके फिर बंगाल में एंट्री कर लेंगे और उसके बाद फिर अपना घर आएगा। तो ये सारा आसाम है, कोकराझार डिस्ट्रिक्ट, और इस साइड में जो हम घर हमारा कोचबिहार डिस्ट्रिक्ट दोनों साथ में ही है। ये आसाम हो गया, वो वेस्ट बंगाल हो गया। तो दिखाता हूँ मैं आगे जाके बंगाल कहाँ से एंटर लेंगे। श्रीरामपुर का गेट रेलवे की अभी पार करूँगा। इधर आप जाओगे ना इस तरफ तो दिल्ली जा सकते हो, इस तरफ जाओगे तो गुवाहाटी जा सकते हो। अब आपको बता देखना किधर जाना है। ओके गेट पार आसाम 16। और दोस्तों देखो इधर भी धान की खेती, और इस साइड भी देखो कितना बड़ा खेत है, बाप रे बाप। और ये बीच में से रोड, ये देखो चाय का खेती दिख रहा है, नहीं दिख रहा, इधर से देखो थोड़ा आराम से चलाना है। ये इस साइड में चाय का खेत है मेरा, ये देख रहा हूँ चाय का खेत है, इस साइड भी है वो भी दिख रहा। चलो 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 दिख रहा ये सारे के सारे चाय का खेत है। थोड़ा सा जंगल छोड़ के उस साइड में जो लेवल में दिख रहा है वो सारा चाय का खेत है। आसाम का आखिरी जमीन पे, इसके बाद जो है बंगाल शुरू हो जाएगा। एक मिनट चुप रहो दोस्तों, ये आखिरी घर है आसाम का, ठीक है। आप देखो ये आसाम का, ये बस यहाँ तक है आसाम की जमीन, यहाँ तक ये जो दिख रहा है आपको दोनों तरफ पानी है। और हम लोग जो है अभी बंगाल में एंटर कर लिए, यहाँ से हमारा बंगाल शुरू दोबारा, नदी के वजह से जो है उधर से घूम के आना पड़ रहा है। अभी हमारा स्कूल आएगा सामने जहाँ मैं पढ़ाई करता था बचपन से। ये मेरा स्कूल बैक साइड दिख रहा है, स्टूडेंट है अंदर। हाँ स्कूल तो बंद हो गया, वहाँ कोई काम चल रहा है। स्कूल है जहाँ मैं पढ़ता था किसी ज़माने में, कभी सोचा भी नहीं था बाहर चला जाऊँगा। ये सब पहले नहीं था जब हम लोग थे, अभी बनाया गया नया करके। ये इसका फील्ड है, बहुत क्रिकेट खेला हमने इसके अंदर। चलो सामने मार्केट घर पहुँच के बाद, तो अभी दादी से थोड़ा बात बूत करेंगे, काफ़ी दिन के बाद मिला हूँ लगभग 3.5 साल के बाद। तो फिर आप लोगों से बाद में बात करेंगे, दादी से अगर कुछ बात करेंगे तो इनसे बंगला में बात करना, और हिंदी इनको आती नहीं है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, फिर मिलेंगे कोई नया वीडियो के साथ।